आज ज़रा शाम हो गई वीडियो स्टार्ट करते करते और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की बेटी की माइयों पे और मैंने सूट ये पहना है जो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी और बाल कैसे बनाए हैं ये भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको। वैसे सबसे अच्छा इंसान तो तब लगता है जब वो खुश हो, कॉन्फिडेंट हो और पॉजिटिव हो, तो वो सबसे अच्छा लगता है इंसान। तो आज मैं दिखाती हूँ पहले मैंने क्या पहना है। ये मेरा ड्रेस है हिना अलरा का ब्लॉक प्रिंटेड, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट ये सारे इसके सूट्स हैं। और साथ दुपट्टा पहले मैं ले लूँ, अच्छा आप देख लें कि कितना अच्छा पलटा शलटा लगा के तो ये है साथ दुपट्टा जो कि बहुत प्यारा हिना का सूट है और ये मैं भी लेके जा रही हूँ और तैयार हुई हूँ जाने के लिए अपनी फ्रेंड की तरफ। और बाल में पहले आपको अपने दिखा दूँ, सारे तुम्हें दिखाने पड़ेंगे बाल। अच्छा जी, ये मेरा हेयर स्टाइल है जो कि मैंने बनाया है खुद तो पता नहीं, मैं इतनी में टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, मैंने बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया इसको बनाना, लेकिन शुक्र है अच्छा बन गया और ठीक ठीक लग रहा है साथ ही बहुत प्यारा माशा। तो जी मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया और क्या हो रहा है और इस वीडियो में ये हो रहा है कि मेरा हेयर स्टाइल कि मेरे कपड़े सिल के आ गए हैं जो मैंने मास्टर साहब को दिए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन सूट मेरा बन कर आया है, ये गोटे वाला भी सिल गया है और इसके नीचे ब्राउन पड़ा ये भी बन गया है। अब ये सारे कपड़े जो है ना, ये कुर्ता जो मैंने अपनी बहन की बेटे को का बनने को दिया था ये भी सिल के आ गया। ये सारे के सारे ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद से। कल होगी ना तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी मैं ऐसी वीडियो में दिखा दूं, और अगर मैं ना दिखा सकी तो इंशाल्लाह ताला मैं कल दिखाऊंगी। और रिंग्स नहीं पहनी, रिंग्स ना पहनूँ तो मुझे लगता है कि काम मैं तैयार ही नहीं हूँ, पहले मैं रिंग्स पहनूँ। जूते मैंने ये अपने वेलेंशिया वाले ही इसके साथ पहने, एक तो जा रहे मैच कर रहे और दूसरी बात यह है कि ये कम्फर्टेबल है। और बात ये है कि उधर क्योंकि चलना फिरना ज़्यादा होता है और मेहंदी माइयों पे तो फ्लैट जूते मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं, वैसे भी मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्लैट ही जूते। थोड़े दिन पहले भी मैं वो कह रही थी, एक दो पिक्चर्स मैंने ली जो शीन स्टूडियो के हिना के बहुत सॉरी शाजी के बहुत प्यारे कपड़े आए हुए, तो वो मैंने हील पहनी रखी काफ़ी देर तो मेरी टांगों में सारी दर्द शुरू हो गई थी, लेकिन यह है कि आदत होनी चाहिए, हील बहुत स्मार्ट लगती है। अच्छा जी, कपड़े मेरे पास बहुत सारे जमा हुए हैं और कपड़ों का की पूरी वीडियो करनी है जो कि मैं करूँगी अब कल, मेरा डे फ्री है कल इंशाल्लाह करूँगी, वो पूरी की पूरी वीडियो होगी। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग डिटेल से जब मैं दिखाऊंगी ना कपड़े तो आप देख सकेंगे। कपड़े बहुत प्यारे हैं शीन के, शाजिया के, जो कि आपकी वार्डरोब में होना चाहिए। और ट्राई कीजिएगा कि अगर आप लोग कुछ ये जो चेंजिंग वेदर और उसमें अब लॉन्स बिल्कुल ना लें, अब जो ये वाला मटेरियल है बहुत अच्छा लगता है, बहुत फॉर्मल और बहुत एलिगेंट लगता है वो, ये लें और प्योर मटेरियल है सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके अलावा रुबाब इंटीरियर्स की रुबाब की एग्जीबिशन है इंशाल्लाह 27-28 को अक्टूबर, और मैं काफ़ी पहले से अनाउंस कर रही हूँ कि सेव द डेट्स एंड सेव मनी फॉर दिस ब्यूटिफुल एग्जीबिशन। ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले है पार देश सूरतिया निहारू जियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे नाना जे चक्के लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कांगना भावे शर्ट पहने खाई के मेरा पान पूरे रायपुर से अलग है।
ससुराल गेंदा फूल। हम सब शादी से निकल रही है, पूरा एरिया हम टीवी वालों ने ग्रीन ब्रीज चैनल ने लिया हुआ है रेंट पे, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती है, तो ये किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही है। यहाँ पर है बहुत कुछ दिखाने को, लेकिन मैं इतने लोग हैं कि मैं गाड़ी से नहीं उतर सकती बिल्कुल। मुझे बग्गियाँ शग्गियाँ आके खड़ी हैं मेरी, मैं उससे वीडियो बना सकती तो। क्या है कुछ भी नहीं है, दुनिया रुकवाई है उनसे। हाँ ये तो सर रुकवाई है। मैं ये है मेरा फराना मुकेश का दुपट्टा है इसके साथ, और साथ में मैंने बालों को ना आज बांधा नहीं, आज मैंने खुला मतलब पोनी टाई बना ली है बालों की, कुछ टाई भी कर लिया है, कुछ पोनी भी बना ली, क्योंकि अभी तक गर्मी का कोई भरोसा नहीं, बड़ी गर्मी लगती है अचानक। तो चलते हैं फिर वहाँ पर, अब देखते हैं। मुझे तो डर है कि कवाली नाइट है, पता नहीं कवाल भी आ सकेंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह करे आ जाए वो, कुछ तो हो तो बस फिर। When I look into your eyes, I believe. If you move out from my side, in the love hoka mujhe kab se intezar tha, in the khushiyon ke liye kab se beqarar tha. फकीर तेरे गुरबत का तुझसे तू मांगो रे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गया वे। तेरे लिए दुआ मंगदा, मैं जिथे जिथे जाहिरिए सिंह तेरा परछा मंगदा। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, दरवाजे को कुंडी मारो कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, तगड़ा तगड़ा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गटक ले, इसको डांस नहीं करना हो जाके अपनी भैंस चलाए। बस आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे है।
ना आंधी तूफान और इतने ओले पड़े हैं और मैं और अभी तैयार हुए मैं शादी पे जाने के लिए। आज फाइनली बेला की शादी है। आज के बाद मैं सारे क्लिप्स वगैरह शेयर करूँगी और आपके साथ, ताकि इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, इतना खूबसूरत प्यारा फंक्शन था। सबसे अच्छी बात ये थी कि उससे सिर्फ अपने से क्लोज लोगों को बुलाया हुआ था और शुक्र है हम भी क्लोज थे जब हमें इतना खूबसूरत और प्यारी शादी देखने को मिली। अब हम लोग क्योंकि आज रास्ते सारे बंद हैं, जो लोग इस्लामाबाद में उनको पता होगा कि लाहौर में भी मैंने सुना है वैसे ही बंद है, लेकिन रास्ते सब बंद हैं। शादी पे जाना भी ज़रूरी है। जो बेचारे, मैं सोची इतनी प्रेपरेशंस थी, इतना कुछ था दुल्हन का, वो पार्लर में बुकिंग, फ़ोटोशूट, सब पता नहीं कैसे अरेंज हुआ होगा, बाद में पता चला होगा। बारात जो है उसे DHA से आना था, वो लोग अभी सुबह के आए हैं उधर, सुबह के वो बेचारे अपने कपड़े शपड़े उठा के और वो कहीं उधर रह रहे हैं, और वो मतलब लाइक के फॉर, और वो इतने पंक्चुअल हैं कि कल जब हम लोग मेहंदी पे गए ना तो 7 o'clock का टाइम था और मैं और आबिद पहुँचे मेरे ख्याल से 7:15 पे, मगर वो लोग 7:45 पहुँच गए थे। तो आज उसने बहुत गौसिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आज सारे लोग जल्दी आए और बिल्कुल टाइम पर आए रिसीव करने के लिए, लेकिन कल ये हुआ कि हम लोग मेहंदी पर ही थे तो आबिद के बहुत अच्छे दोस्त, उनके फादर, अल्लाह ने उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी डेथ हो गई। हम लोग वहाँ से उसी वक्त गए, जा उधर गए उनके घर, वापस आए आज जनाजे से, अभी भी सब लोग वापस आए, हम लोग अभी निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग 2-3 लोग मिलके मतलब इस तरह से जा रहे हैं ताकि एक साथ जाएं। तो अब हम वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर, इतना मैं रिकॉर्ड नहीं उस पर कर सकी जितने ओले थे, क्योंकि लिटरली मुझे बाहर डर लग रहा था आते हुए कि बाहर पता नहीं क्या हाल होगा। हाल तो ऐसे देखो कितना बुरा ही हुआ है, पत्ते शत्ते सब टूटे। अब चलते हैं शादी पर। अच्छा, ड्रेस के बारे में बताया ही नहीं क्योंकि अंदर नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी, मैं बाहर आ गई, वेट कर रहे थे। खुद से मैंने अपने कुंदन वाली पहने, वैसे मैंने दूसरी अपनी हील्स निकाली नहीं थी, लेकिन बाहर जो हाल है उसमें फिर मैं वो हील तो नहीं पहन सकती थी। तो ये मेरा सूट है जो मुझे बहुत बहुत अजीज सूटों में से एक है। ये मैंने लिया था, जो फैब्रिक मैंने लिया था, अभी मैंने फैब्रिक से लिया था, तो अनस्टिच फॉर्म पे बहुत कपड़ा होता है, प्योर फैब्रिक था ये, तो वहाँ से लिया था। और इसके ऊपर ये जो काम हुआ है सारा हाथ का, और सितारों का, और एंटीक सितारे इसके ऊपर सारे लगे हुए, और 7 कुंदन के बटन है, उसको मैंने रेड के साथ मैच किया है। ये मैंने सिलवाया था, मैं हर जोड़ा बताती हूँ कि कब सिलवाया था ताकि लोग वैल्यू करें अपने कपड़ों को, फौरन डिस्कार्ड ना करें। ये मैंने सिलवाया था 2015 में, मेरी कज़न की बेटी की शादी थी उसके लिए हम लोगों ने बनवाए थे, और ये जिसके साथ अभी हम लोग जा रहे हैं ना, ये उसी ने मुझे क्लच दिया हुआ है। तो अब चलते हैं।